आज आपको हम दिखाने वाले हैं कि विंडोज 10 को किस प्रकार से सिस्टम में फॉर्मेट करके इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे पहले आप पेन ड्राइव को लगाइएगा, तो आपको देखिए यहाँ पे आपको पेन ड्राइव को लगा लेना है। जैसे मैं यहाँ पे लगाए हैं पेन ड्राइव को, लगाने के बाद आपको कीबोर्ड पे जब आप करिएगा रिस्टार्ट विंडो को अपने, तो कीबोर्ड पे आपको 2 और यहाँ पे 9 और 10 जो 12th है इस सबको प्रेस करना होगा। जब प्रेस करिएगा तो यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से ऑप्शन खुल करके आएगा। तो इतना आ जाने के बाद दोस्तों आपको अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक करना है। देखिए मैं यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद जो यहाँ पे लिखा है इंस्टॉल नाउ का ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप लोग इस पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर दिए, तो जब इतना क्लिक कर दीजिएगा तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि सेटअप इज स्टार्टिंग। तो आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, जो कि आपका सेटअप है वो स्टार्टिंग हो रहा है। तो इसके आगे जो इंटरफेस आएगा तो आपको देखिएगा ध्यान से, थोड़ा सा हमारा वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है क्योंकि हम यहाँ पे जहाँ पे हमारा शॉप है तो यहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ होता है, इसलिए हमारा वॉइस क्लियर नहीं आ पा रहा है। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो आगे हमारा यहाँ पे ऐसा इंटरफेस आएगा, तो आपको यहाँ पे जो लिखा है आई एक्सेप्ट टू लाइसेंस टर्म पे, तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। तो हम देखिए इस पर क्लिक कर दिए। क्लिक करने के बाद जो यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप लोग यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा। तो इतना हो गया। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या करना, ध्यान दीजिए, जो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन पर लिखा है कस्टम इंस्टॉल विंडोज ओनली एडवांस, तो आपको इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। आपका फाइल्स आएगा, फॉरवर्ड करने का ऑप्शन आएगा, क्लिक कर दीजिएगा इस पर। देखिए यहाँ पे क्लिक कर दिए। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से आपका जो ड्राइव बना होता है सी ड्राइव ई ड्राइव, तो आपका ऐसा ओपन होकर के आएगा। तो सबसे पहले आपको फॉर्मेट करना होगा, तो आपको जो यहाँ पे लिखा है ड्राइव 0 पार्टीशन 2, इस पर क्लिक करके आपको जो यहाँ पे लिखा है फॉर्मेट, आपको इस पर क्लिक करना होगा। देखिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं फॉर्मेट पर और यहाँ से कर देंगे ओके। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मेट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जितना हमारा था अब यहाँ पे रनिंग कर रहा है, तो दोनों में सेम टू सेम हमारा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मेट हो गया। ये हो जाने के बाद आपको इस पर आएगा, तो ये आपका शो है, तो ये आपका जो OEM होता है रिजर्व होता है, इसे नहीं किया जाता है। और जो यहाँ पे आपका जो पार्टीशन 4 है इस पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे इसे कर दीजिएगा फॉर्मेट। देखिए यहाँ से इसे भी हम कर देते हैं फॉर्मेट। तो दोनों हमारा फॉर्मेट हो चुका है। देखिए फॉर्मेट होने के बाद अगर बाय द वे अगर आपको नया अगर ड्राइव बनाना होगा तो आपको इस पर क्लिक करके दोस्तों जो फर्स्ट वाला है चाहे किसी पर भी, तो यहाँ पे न्यू का ऑप्शन आएगा, यहाँ से ड्राइव बना सकते हैं। लेकिन इतना हमें फॉर्मेट करना है, तो अब देखिए हमें कैसे इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे हम जो पार्टीशन 2 है ये हमारा सी ड्राइव होता है, तो इसे हम किए हैं सिलेक्ट और नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद दोस्तों जो यहाँ पे नेक्स्ट लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। देखिए हम नेक्स्ट पर जब क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर जो हमारा विंडो है, यहाँ पर लिखा है इंस्टॉलिंग विंडो, तो पहले यहाँ पे कॉपी विंडो फाइल्स को कॉपी करेगा, उसके बाद यहाँ पे गेटिंग फाइल्स रेडी फॉर इंस्टॉल पर सेकंड नंबर पे है, फिर यहाँ फीचर्स को इंस्टॉल करेगा और यहाँ पे अपडेट को इंस्टॉल करेगा, फिर यहाँ फिनिशअप करेगा। तो यह सब करने में कम से कम आपका 10 से 15 मिनट लगने वाला है। तो हम वीडियो को पॉज कर देते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। और अभी तो जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उस चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, ताकि जानकारी मिल सके। चलिए आगे वीडियो में हम बात करते हैं। देखिए आगे दिखाते हैं आपको हम नाम का चीज़ है नीचे अपन ड्रॉइंग बुक नीचे कौन धोए वाला नहीं धो देता कपड़ा को बाप पास हुआ था एग्जाम का फिगर आप लोग से जो पहले हुआ है उस लगभग होगा आपको जनवरी या फरवरी में होगा आप लोग का 22 वाला हो जाएगा अक्टूबर नवंबर।
बाद हम अपने पेन ड्राइव को देखिए यहाँ से निकाल देते हैं। तो यहाँ से हमारा पेन ड्राइव को हम यहाँ से निकाल दिए। अब देखिए जो भी प्रक्रिया है वो आपका यहाँ से अब कंटिन्यू, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रेस एनी कीबोर्ड, हमें कुछ नहीं करना है। अब आगे देखिएगा दोस्तों, आपको दिखाते हैं एक्सपेरिमेंट क्लोइंग कैनोही में। के बाद आप ये अगला ऑटोमेटिक ये अपने से काम करेगा। देखिए विंडो 10 में एक खासियत होता है कि यह सब अपने से ऑटोमेटिक इसमें रनिंग करता है, कहीं पर नेक्स्ट नहीं किया जाता है। थोड़ा सा आप इसे वेट करेगा जब तक ये कंटिन्यू बोल रहा है। देखिएगा आगे देखिए इतना होने के बाद यहाँ पे जस्ट ए मोमेंट लिखा हुआ है। अब आगे खुलेगा, देखिएगा आप दोस्तों। अब देखिए अब यहाँ से स्टेट का ऑप्शन आ गया है। अब यहाँ से आपको देखिए जो भी काम करना हो करना होगा, आपको यहाँ से यस पर क्लिक करना होगा। तो हम यहाँ पे यस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने बाद यहाँ पे देखिए लिखा है जस्ट ए मोमेंट। अब यहाँ से आपका ये ओपन हो रहा है, जो कि यहाँ बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपसे कैप्चर कर रहा है। अब यहाँ इतना हो गया। अब ये आपका बोल रहा है कीबोर्ड के लिए, देखिए यहाँ पर लिखा है दिस इज दिस राइट कीबोर्ड लेआउट, तो आपको इंग्लिश इंडिया पर क्लिक करना होगा। फिर आपको यहाँ पे जो लिखा है यस, तो आपको यस पर क्लिक करना होगा। देखिए यहाँ पे क्लिक करते हैं यस पे, थोड़ा सा माउस हमारा स्लो काम कर रहा है। यहाँ पे यस पर क्लिक कर दिए। अब देखिए यहाँ पे कीबोर्ड लेआउट के लिए बोल रहा है, तो फिर से आपको यहाँ पे स्किप करना होगा। स्किप कर दीजिएगा, उसके बाद आपका जो अगला इन्फॉर्मेशन है वो आपको दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे जस्ट ए मोमेंट लिखा हुआ है। अब हमारा जो नेटवर्किंग है या उसे खुलेगा, तो इतना करने बाद आपको कहीं पे स्किप नहीं करना था कि नीचे आकर के आपको यहाँ से स्किप का ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो स्किप पर क्लिक कर दीजिएगा, स्किप हो चुका है, थोड़ा सा वेट कीजिएगा दोस्तों। अब यहाँ पे आपका नाम को टाइप करना है, कुछ भी हम लिख देते हैं, जैसे यहाँ पे लिखते हैं संजीत, हो गया। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। देखिए यहाँ पे हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पासवर्ड हमें नहीं लिखना है, फिर से यहाँ पे हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। पासवर्ड लिखना होगा आप लोग लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, पासवर्ड लिखा हुआ है, आपको हम यहाँ पे नेक्स्ट पर दिखाते हैं, नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिएगा। फिर यहाँ पर लिखा है जस्ट ए मोमेंट, थोड़ा सा वेट करिएगा। अब आपका अकाउंट जो है आपका कंप्लीट बन चुका है। अब आपको यहाँ पे यस पर क्लिक करना होगा। अब अगला जो सर्विस है वो सर्विस का विंडो में आ गए हैं, आपको यहाँ पे एक्सेप्ट पर क्लिक करना होगा। क्लिक कर दिए। अब यहाँ पे जस्ट ए मोमेंट लिखा हुआ है, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। अब आपका जो विंडो है वो आपका ओपन होकर के आएगा, देखिएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारा हाई लिख दिया, मतलब कि हमारा जो विंडो है वो उसका सेटअप कंप्लीट हो चुका है।
अब यहाँ पे थोड़ा सा रेडी के लिए वेट करेगा, गेटिंग एवरीथिंग रेडी फॉर यू लिखा हुआ है। अब इस प्रकार से हम विंडो को ओपन करते हैं, अभी बने रहिए वीडियो के साथ क्योंकि स्किप मत कीजिएगा, थोड़ा सा वेट करिएगा और आगे आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारा विंडो 10 है वो फ्रंट हो करके बहुत ही बेहतरीन तरीके से ओपन हो गया है। देखिए यहाँ पे माउस वाउस जो भी है वो बहुत ही क्लियर काम कर रहा है। तो इस प्रकार से हम विंडो को इंस्टॉल करते हैं, आप लोगों को सारी प्रक्रिया हम लाइव आज दिखा चुके हैं, तो आप लोग अपने से खुद ही इसे कर सकते हैं। इसमें मेन वजह ये है कि आपको जो पेन ड्राइव है वो बूटेबल होना चाहिए, बूटेबल रहेगा तभी होगा। तो आपको पेन ड्राइव को इंसर्ट करना है और कीबोर्ड से आपको F12 और 9 और F2 को प्रेस करना है, तो आपका जो बूटेबल जो था वो ओपन हो जाएगा। फिर आगे जो प्रक्रिया दिखाएं वैसे आप कर सकते हैं। कहीं पे दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी जानकारी मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही टॉपिक के साथ। टाटा, जय हिंद। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।